हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी कब होने वाली है और इसकी सुमुहूर्त और पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। साल की सभी एकादशी तिथि में से निर्जला एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से भक्त के जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साल की सभी एकादशी तिथि में से निर्जला एकादशी तिथि को बेहद महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को भोजन और पानी के बिना किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। प्रभु की पूजा करने से भक्त को जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। ऐसे में निर्जला एकादशी की डेट, सुमुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है, ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। अब इसकी पूजा विधि जानते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। इसके बाद मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल, फल, हल्दी, अक्षत, चंदन, खीर आदि चीज़ें अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, दीपक जलाकर आरती करें, कथा सुनें, प्रभु के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें। अंत में मिठाई और केले का भोग लगाएं। इस दिन श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में भोजन, वस्त्र और दान का दान करें। तो ये हुई एकादशी की जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और आगे मैं एकादशी, निर्जला एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। तो आप लोग मेरे नोटिफिकेशन पे बने रहिएगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।